तो अभी आज हम रेम्बो का हाइट मेजर करेंगे, या फिर रेम्बो अब 2 साल का हो गया है तो 2 साल में कितना इसका ग्रोथ हुआ है पता करते हैं, ठीक है। इससे आप सभी को भी समझ में आएगा कि कैसे जर्मन शेफर्ड को हम इसका हाइट मेजर करते हैं, ठीक है। रेम्बो अप, रेम्बो, रेम्बो अप, अप, अप रेम्बो, रुको। देखिए सबसे पहले तो हम इसको 2-3 तरीके हैं ऐसे जनरली में, बट यहाँ हम समझते हैं। सबसे पहले तो इसके यहाँ रेम्बो उधर नहीं हो, अभी शायद एक्सरसाइज के बाद थका हुआ है। नो रेम्बो अप, अप रेम्बो, गर्मी भी ज्यादा है तो रेम्बो आराम करने की सोच रहा है, लेकिन फिर भी इसका हम हाइट मेजर करेंगे। चलो रेम्बो अप, अप, नो अप, अप रेम्बो, नो रेम्बो अप, यही रहो यही रहो यही रहो, स्टे। यहाँ फीता लगा के, और यहाँ जो इसके नेक के पास ये वाला जो कटा करा, अच्छा उस ये वाला जो नापने का तरीका है, इसको जरा हम आपको दूसरी बार में दिखाएंगे। एक और तरीका है जो मेजर करने का, वो है जब डॉगी आपका सीट पोजीशन में हो तो मेजर करते हैं। इसके इस वाले सामने वाले पैर पे टेप डाल के, और जहाँ से इनके बाल का, ये आगे वाला बाल का जो कटिंग निकला हुआ होता है उसके, जैसे आप गौर करेंगे तो इनके दोनों जो यहाँ पे जबड़े हैं, जबड़ा के पास यहाँ जो है ब्लैक मार्क बना हुआ है। ये आप इसको एक तरह से हाइट मेजर करने का एक आप ये मार्क आप भी कह सकते हैं इसको। आप वहाँ इसे लगा के देखिए, देखिए कितना आ रहा है। ये 25 एंड हाफ cm जो है वो आ रहा है, नहीं सॉरी 25 एंड हाफ cm नहीं, 25 एंड हाफ इंच है वो आ रहा है। अप्रोक्स आपको अगर cm में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 63 सेंटीमीटर। तो वहाँ हमने मेजर किया उस टाइप से, तो 63 सेंटीमीटर आया और 25 एंड हाफ इंच आया। अब जरा ये जो आपका एक और तरीका जो है इसको मेजर करने का, उसको जरा देखते हैं। तो गर्मी से रेम्बो एकदम, क्योंकि मानसून शुरू हो गया है और मानसून से गर्मी भी बढ़ गया। रेम्बो अप हो जाता, अप हो जा, अप, नो सेट पोजीशन, अप अप अप, जरा तुम्हारा हाइट मेजर कर ले फिर तुम बैठना। देखिए इसकी हाइट से हमने यहाँ रखा, नहीं 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 रेम्बो, वो रेम्बो को शायद ये सही नहीं लग रहा है कि इसका कोई समझे कि ये कितना बड़ा हो गया है। ये खुद को अभी नो 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 बैठना नहीं है, नो नो नो, यहाँ लगाते हैं। और इसके लिए आप इसका जो ये जब ये गर्दन अपना उठाता है तो जो इन लोग का पोजीशन होता है स्टैंडिंग में, वहाँ से आप पता करिए। तो यहाँ टेप लगा के, और ये वाला जो पोजीशन है यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे। तो आप अगर एग्जैक्ट देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे 25 एंड हाफ इंच आ जा रहा है। तो कभी कभी इसमें दिक्कत हो जाता है क्या कि डॉगी अगर आपका स्टैंडर्ड सीट स्टैंडर्ड पोजीशन में अगर खड़ा नहीं है तो ये दिक्कत हो जाता है कि हमने सही मेजर किया कि नहीं किया। तो ये वाला सबसे अच्छा है, जब डॉगी आपका सीट पोजीशन में हो तो ये वाला जो इनका दोनों तरफ का जो इनका ब्लैक स्पॉट जो होता है इनके जबड़े पे, यहाँ आप भी गौर कर सकते हैं। ये वाला आप इसको एक स्टैंडर्ड मार्क लेके चलिए इनके हाइट मेजर करने के लिए। तो अभी हमारा जर्मन शेफर्ड ये जो रेम्बो है ये 2 साल का हो गया है, इसी 6 जून को ये 2 साल इसका कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड बर्थडे 6 जून को था, और अब 6 जून तक यानी कि 2 साल में ये अभी 25 एंड हाफ इंच का इसका ग्रोथ हुआ है। अमूमन जर्मन शेफर्ड जो है वो 3 ईयर्स तक ग्रोथ करते हैं स्पेशल केसेस में, जैसे कि हम लोगों का है कि कहीं कहीं होता है कि 25 ईयर या फिर 20 ईयर्स तक
हम लोग भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन कई लोगों से पूछने पर होता है कि नहीं 25 ईयर्स के बाद भी थोड़ा बहुत ग्रोथ होता है, तो वैसे ही 2 साल के बाद थोड़ा बहुत ग्रोथ होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत वही 1 से 2 सेंटीमीटर आप बोले वही उतना ही हो गया तो वो ज़्यादा होगा। तो ये जो अभी जो जर्मन शेफर्ड का मेरा जो ग्रोथ है वो जो स्टैंडर्ड जर्मन शेफर्ड का जितना ग्रोथ होता है उतना इसका हो गया है। 25 to 24 to 20 मतलब 60 से 65 सेंटीमीटर जो है उनकी हाइट होती है, और इसका जो है अभी 63 सेंटीमीटर वो इसका हाइट है। टेम्बो का कुछ बाहर दिखाया हुआ है, तो ये अपना डिफेंस पोजीशन में आ गया है टेम्बो, कुछ भी इसको दिखता है कहीं भी तो तुरंत से ये डिफेंस पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ हमने अभी जो अपने जर्मन शेफर्ड का हाइट मेजर किया, तो अगर आप भी आपके पास भी डॉगी है कोई सा भी हो, आप उसका जरूर जो भी स्टैंडर्ड हाइट होता है उसे जरूर मेजर करें, ताकि आपको पता चले कि आपका डॉगी सही से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। अगर ग्रोथ में कुछ अगर कम ज़्यादा ग्रोथ है, ज़्यादा तो होगा तो अच्छा ही है, कम ग्रोथ है तो आप उसको जो रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूट्रिशंस की वो ज़रूर उसे प्रोवाइड करें, तभी से अगर जो न्यूट्रिशंस उसको देने चाहिए वो देते हैं हम अपने डॉगी को, तभी जाके उसका ग्रोथ जो है वो सही से हो पाता है। हमने रैम्बो को जो इसके कैल्शियम और मल्टीविटामिन होते थे वो हमने इसे दिए हैं, अभी भी देते हैं। तो ये ख्याल जरूर रखना चाहिए कि अपने डॉगी को जो है वो फीड जो भी देते हैं वो न्यूट्रिशियस होने चाहिए। तो थैंक यू इतना देखने के लिए। अब अगली बार इसके हम वेट लेंगे और तब आपको बताएंगे कि अभी रैम्बो का 2 ईयर्स आफ्टर वेट कितना है। मेरे ख्याल से 50 के अबव होने चाहिए। नो, देखिए बाहर वहाँ कुछ बिल्ली या फिर कोई डॉगी गया तो रैम्बो पोजीशन में आ गया। खैर कोई बात नहीं, सिट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक्स।